दोस्तों आज हम एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रखर वर्सेस संदीप महेश्वरी के कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि लंबे समय से चली आ रही है और अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी आ सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है वो हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इस विवाद की थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इसमें हुआ यूं कि संदीप महेश्वरी के कुछ वीडियोस पर प्रखर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसको लेकर ये विवाद बना और इस कंट्रोवर्सी में यूट्यूबर श्वेताब तथा पीपॉय भी शामिल हो गया। इन लोगों ने आपस में मिलकर एक दूसरे पर पोस्ट तथा वीडियोस के माध्यम से तर्क वितर्क किए, लेकिन संदीप महेश्वरी ने इस विवाद को बढ़ते हुए देखकर अपनी तरफ से इस मामले में सॉरी बोलकर इसे क्लोज करने की कोशिश की। लेकिन यूट्यूबर प्रखर ने इस मामले को और भी बढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद संदीप महेश्वरी ने प्रखर को तथा श्वेताब को लीगल नोटिस भेज दिया। लेकिन इनसे एक कदम और आगे जाते हुए प्रखर ने संदीप महेश्वरी के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर दिया। उस सिविल सूट में प्रखर ने 2 करोड़ मानहानि का दावा संदीप महेश्वरी के खिलाफ ठोक दिया। उस डेफेमेशन सूट में प्रखर ने श्वेताब तथा पिपोय को भी पार्टी बना लिया। इन सभी द्वारा सोशल मीडिया पर जो करना था वो तो कर चुके। अब जब मामला ये कोर्ट में पहुंच गया है तथा कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कोर्ट को देखना है कि कौन गलत है तथा कौन सही। वादी तथा प्रतिवादी को जो भी अपनी बातें रखनी है वो कोर्ट के माध्यम से रखनी चाहिए। लेकिन कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी वादी तथा प्रतिवादी विभिन्न पोस्ट तथा वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और अपने आप को सही साबित करने की सफाई देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको साफ कर दूं कि हम किसी भी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको कानूनी दृष्टिकोण से क्या सही हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। खैर, जो सोशल मीडिया पे ऐसा रायता फैलाया जा रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रखर ने अपने डेफेमेशन सूट के साथ इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशन नहीं लगाई है, जो कि विचाराधीन मामले में जब तक वह केस अंडर ट्रायल है तब तक प्रतिवादी को उस मामले में कुछ प्रतिक्रिया अथवा कार्यवाही करने से रोकता है, जिससे न्यायालय की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके तथा वादी को न्याय मिल सके। लेकिन जाने अनजाने में प्रखर ने वो एप्लीकेशन अपने सूट के साथ नहीं लगाई और शायद वजह यह भी हो सकती है कि प्रखर भी चाहता है कि इस ट्रायल के दौरान वो अपने वीडियोज़ के द्वारा और भी सिंपैथी तथा और भी व्यूज़ वगैरह गेन कर सके तथा इसको और भी कंट्रोवर्शियल बना सके। लेकिन केस अभी कोर्ट में फाइल हुआ है और कोर्ट हर एक पक्ष की बात सुनेगा तथा उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्रदान करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और जो ये लोग अंडर ट्रायल केस में अपने वीडियोज़ के माध्यम से अपने केस को मजबूत बनाने के लिए पब्लिक की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो गैरकानूनी है, और यदि कोर्ट ने उस पर सुमोटो भी एक्शन ले लिया तो ऐसे वीडियोस पर रोक लगाई जा सकती है तथा उन वीडियोस को हटाने का भी आदेश कोर्ट कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस केस से आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें पहली बात यह है कि कोई भी डेफेमेशन सूट या फिर सिविल सूट डालने से पहले आपको इंटरिम इंजंक्शन का एप्लीकेशन जरूर डालना चाहिए, जो कि प्रतिवादी को ऐसी कोई कार्रवाई करने से रोकता है जिससे कोर्ट की कार्रवाई प्रभावित हो सके। और ऐसी ही एप्लीकेशन गौरव तनेजा ने प्रिंट न्यूज़ के खिलाफ लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने प्रिंट न्यूज़ को गौरव तनेजा के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने से रोक लगा दी थी। दोस्तों इस केस में आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऐसा कोई डेफेमेशन केस का या फिर किसी भी अन्य केस का आपको नोटिस आता है तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट आपकी बात को सुनने का पूरा अवसर प्रदान करती है, आप वहाँ पर पेश होकर अपना जवाब रख सकते हैं, अपने सबूतों तथा गवाहों के माध्यम से अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट को। यदि किसी ने आपके खिलाफ कोई केस डाल दिया है तो उस केस को डालने से मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ फैसला हो गया है। उस केस डालने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि किस प्रकार से उसका डिफेमेशन केस बनता है और किस प्रकार से उसका नुकसान हुआ है। और ये जरूरी नहीं है कि जिन सबूतों के आधार पर वो वादी खुश हो रहा है वो सबूत कोर्ट को भी पर्याप्त लगे। दोस्तों अब अंत में बात करते हैं चौथे पॉइंट की। यदि वादी अपना केस जीत जाता है तो प्रतिवादी को क्या करना चाहिए। ऐसे में प्रतिवादी के पास ये अधिकार है कि वह उस न्यायालय के फैसले के खिलाफ उससे ऊपर के न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। और दूसरी कंडीशन में यदि वादी हार जाता है तो ऐसे में वादी भी उस न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन में यह भी है कि यदि प्रतिवादी जीत जाता है तो वह प्रतिवादी उस वादी के खिलाफ एक अन्य केस भी डाल सकता है, जो कि उस वादी के द्वारा झूठा केस डालकर उस प्रतिवादी को फंसाने के लिए किया गया हो ऐसा मानकर उस केस को किया जा सकता है। और झूठे केस के खिलाफ आपको कैसे कार्रवाई करनी है
उसके लिए हमने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में दे दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी कानून से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।